गुड मॉर्निंग क्लास लेट स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू विल लर्न अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ओके फर्स्ट वी विल लर्न इज फैक्टर्स ओके फैक्टर्स क्या होता है फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल यू हैविंग ए वन नंबर नाइन ओके तो यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ नाइन दैट्स मीन्स नाइन किस किस नंबर की टेबल में आता है वो सारे फैक्टर्स होते हैं नाइन के फॉर एक्जाम्पल वन के टेबल में हर नंबर आता है यू नो दैट देन थ्री के टेबल में आता है नाइन एंड देन अपनी टेबल में आता है ओके okay? तो नाइन के फैक्टर्स क्या हुए वन थ्री नाइन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट फाइंड वेदर थर्टी वन इज अ फैक्टर ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स क्या थर्टी वन फैक्टर है इस नंबर का ओके दैट्स मीन्स आप क्या ये थर्टी वन से डिवाइड हो जाएगा तो यू हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स ओके मीन्स आप थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स को थर्टी वन से डिवाइड करोगे ओके okay? अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है दैट्स मींस थर्टी वन इज अ फैक्टर ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी सिक्स ओके लेट्स डिवाइड दिस थर्टी फाइव नहीं आता देन वन से करेंगे थर्टी वन देन माइनस इज फोर देन नाइन फोर्टी नाइन भी नहीं आता थर्टी वन के टेबल में देन स्मॉलर देन फोर्टी नाइन इज एट वन थर्टी वन देन सप्रैक्ट दिस नंबर यू गैट एटीन एंड सिक्स आता है थर्टी वन के टेबल पे एट सिक्स मीन कम्पलीट डिवाइड हो गया तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी सिक्स का फैक्टर थर्टी वन है तो योर आंसर इज यस ओके सेम एज इट इज यू हैव टू डू द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ दिस नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नाइन्टी वन नाइन्टी वन के Uh, मतलब ये जो नंबर्स है वो नाइन्टी वन के फैक्टर्स हैं या नहीं आपको ये फाइंड आउट करना है ठीक है तो नाइन्टी वन नाइन्टी वन किस के टेबल में आता है ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है थ्री से होगा या नहीं होगा सेवन से इसको डिवाइड करके देखना हो जाएगा तो मीन्स सेवन इसका एक फैक्टर है देन इलेवन से थर्टीन से नाइन्टी सिक्स सॉरी नाइन्टी सेवन से आप इनको डिवाइड करके देखना अगर कंप्लीट डिवाइड हो जा हो जाता है दैट मीन्स येस इट इज द फैक्टर ऑफ द नाइन्टी वन अदरवाइज नो ओके क्वेश्चन नंबर थ्री फाइन सिक्स मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मल्टीपल्स होते हैं मल्टीप्लाई करना मीन्स या तो फॉर uh, एग्जाम्पल मैंने कहा सेवेंथ मल्टीपल ऑफ टू ठीक है मतलब टू का सेवेंथ मल्टीपल क्या होगा मीन्स टू मल्टीप्लाई बाई सेवन एस फोर्टी ओके सेम एज अ टेबल ओके इसने कहा है फाइन सिक्स मल्टीपल्स आपको इन सबके सिक्स मल्टीपल्स ढूंढने ठीक है जैसे थर्टीन है थर्टीन के सिक्स मल्टीपल ढूंढने ठीक है थीके? तो मीन्स आप थर्टीन की टेबल सिक्स तक लिखोगे ठीक है या तो आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है या तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो जैसे थर्टीन वन झर्टीन थर्टीन टू ज्वेंटी सिक्स थर्टीन थ्री जर्टी नाइन थर्टीन फोर जिफ्टी टू एंड थर्टीन फाइव एंड थर्टीन सिक्स एट या तो आप ये सीधा आंसर लिखते हो या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है मल्टीपल्स ये होते हैं ओके सेम इट इज आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने ना क्वेश्चन नंबर फोर फाइन थ्री मल्टीपल्स ऑफ इलेवन दैट आर बिटवीन ट्वेंटी सेवन एंड नाइनटी ठीक है इलेवन के टेबल्स सबको आती है ठीक है इलेवन के टेबल्स के जो नंबर्स हैं वो ट्वेंटी सेवन और नाइनटी ट्वेंटी सेवन और नाइन्टी के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं जो इलेवेंथ की टेबल में आते हैं ये कंडीशन है ध्यान रखना है इस चीज का ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फाइव चेक वेदर फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ फोर और नॉट ठीक है क्या ये नंबर मल्टीपल है फोर का या नहीं है ठीक है मीन्स आप फोर को इससे डिवाइड करो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ये अदरवाइज नो ओके क्लास सो यू हैव टू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज Okay, that's us for today. Thank you.